नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। कहा जाता है कि इन बाबा का कनेक्शन सीधे बालाजी यानी बजरंगबली से है और इनकी बजरंगबली महाराज ने कुछ ऐसी दिव्य शक्ति भी दी है जिससे है लोगों के बिना कहे लोगों की मन की बात जान लेते हैं और एक पेपर पर उनकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है वो अपने भक्त को बिना कहीं पर्चे पर लिख देते हैं। और आजकल ये भूत प्रेत भगाने के भी काफी एक्सपर्ट बन गए हैं। और साथ ही इन बाबा के पास किसी को न दिखने वाला सेनापति भी है जो कि उनकी लोगों के भूत भगाने में काफी मदद भी करता है। राम और उठा उठा फेंको इसे और मारो इसे और मारो, अब इसका गला पकड़ो इसका। वैसे इन बाबा के दोस्तों सिर्फ भक्ति नहीं, साथ ही इनके बहुत क्रश भी है। कोई ने कभी कभी तो बाबू कहकर भी बुला देता है। एक महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। और साथ ही दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम सरकार की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी काफी फैल गई है और इन्होंने कई सत्संग और प्रोग्राम विदेशों में भी जाकर किए हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे बाबा रह चुके हैं और उनकी गजब सी चमत्कारी भी हम सब ने देख ली है, मगर वैसे तो इन बाबा की अभी तक कोई चमत्कारी सामने नहीं आई। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन बाबा के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वहीं लोग इन्हें प्यार से बागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाते हैं। दोस्तों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और वहीं 2023 के हिसाब से बाबा की उम्र सिर्फ 27 साल है। दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि जब वो सिर्फ 9 साल के थे तभी से बालाजी महाराज की सेवा में लग गए थे और इसी कारण की वजह से बालाजी महाराज ये बताते हैं कि इस साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से इन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुई है। दोस्तों शास्त्री जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर पूरी की है। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी एक समय में एक विद्वान शास्त्री थे और इन्हें भी बालाजी की कृपा में कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। वे भी एक दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्या का हल किया करते थे। दोस्तों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी के साथ रहकर ही बहुत सारे गानों का अध्ययन किया है। दोस्तों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से कंप्लीट की है और 12th तक की पढ़ाई अपने पास के गांव गंज से कंप्लीट की है क्योंकि इनके गांव में सिर्फ 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराई जाती थी। और फिर बागेश्वर धाम सरकार ने बीए की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद धीरेन्द्र जी अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज मंदिर की सेवा में लग गए। वैसे दोस्तों इनके घर के पास ही बालाजी का एक बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे और दोस्तों इनके दादाजी के जाने के बाद मंदिर कुछ समय तक बंद रहा और फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उनके स्वर्गीय दादा श्री और बालाजी महाराज की कुछ ऐसी खास कृपा हुई कि उन्हें अपने आप ही अपने अंदर कुछ दिव्य शक्तियों का अनुमान होने लगा और फिर ये भी अपने दादाजी की तरह लोगों की सेवा में लग गए और लोगों की समस्या का हल भी करते जा रहे हैं। लोगों के कुछ बोले बिना ही ये उनकी समस्या और उसका हल क्या है वो एक पर्चे पर लिख कर पहले ही रख लेते हैं। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनके दरबार में अपनी अर्जी लगाई है और अभी इन्होंने सभी पत्रकारों की हेकड़ी भी निकाल दी जो इन्हें अंधभक्त बता रहे थे। दोस्तों अगर आप भी बालाजी सरकार या बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे वाले भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।